आम तौर पर हम सब का ये मुशाहिदा है कि हर शख्स किसी न किसी गम, दुख या मसले का शिकार रहता है। इन मसाइल का हल क्या है? अगर कुरान और सुन्नत का मुताला किया जाए तो हमें इन मसाइल के बहुत से हल भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त आंख खुलने पर एक दुआ सिखाई और साथ ही ये फरमाया कि जो शख्स इस दुआ को पढ़े और उसके बाद दुआ करे या अपने लिए बख्शिश मांगे तो उसकी दुआ कबूल होगी। रात के वक्त हम क्यों उठते हैं? किसी न किसी फिक्र या परेशानी की वजह से। रात को इंसान जब साइड बदलता है तो बाज़ोकत आंख खुल जाती है या कभी बुरा ख्वाब देखने पर आंख खुल जाती है। उस वक्त अगर ये दुआ पढ़ लें तो इंशाल्लाह गमों और दुखों का मदावा हो सकता है, क्योंकि वो कबूलियत का वक्त होता है। ये दुआ आप में से बहुत से लोगों को आती भी होगी, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि इसको पढ़ने की आदत डाल ली जाए। दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाह व सुभानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बुखारी की रिवायत में आता है कि जो शख्स रात को आंख खुलने पर इस दुआ को पढ़े और फिर कहे अल्लाहुम्मा अग़फिर ली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, या कोई दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है। और अगर वो उठे, वुजू करे और नमाज पढ़े तो उसकी नमाज कबूल हो जाती है। हम में से कोई ऐसा नहीं कि जिसकी रात के वक्त आंख न खुलती हो, जिसको दुआ की कबूलियत का शौक ना हो, जो किसी मसले का शिकार ना हो। इसलिए रात की इन घड़ियों को गनीमत जाने, इस दुआ को पढ़ना ना भूलें। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।